बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ये वकालत कर रहे हैं कि श्रीलंका में हालात को संभालने के लिए जरूरी हो तो भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज की बाढ़ सी आई हुई है कि श्रीलंका में हालात को संभालने के लिए भारतीय सेना को लगा दिया गया है, लेकिन ये सारे दावे निराधार हैं। श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने यह साफ कर दिया है कि भारत श्रीलंका में अपनी सेना को नहीं भेज रहा। हालांकि आज से करीब 35 साल पहले श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी थी। भारतीय सेना को तब गंभीर नतीजे भुगतने पड़े थे और करीब 1200 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की हत्या की भी वजह यही थी। तो आखिर 35 साल पहले हुआ क्या था श्रीलंका? आखिर क्यों प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका भेजा था? और आखिर क्यों भारतीय सेना के 1200 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी? आज बात इन्हीं मुद्दों। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 1986, तब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। ये वो दौर था जब श्रीलंका में गृह युद्ध अपने चरम पर था और श्रीलंका की सरकार के सामने वी प्रभाकरण के नेतृत्व में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे अलग देश की मांग को लेकर खून खराबे पर उतारू था। श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ गए थे कि वहां से लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे थे। वहीं श्रीलंका की सरकार भी लिट्टे को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। हारकर श्रीलंका के राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी। मानवता के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी श्रीलंका में सेना भेजने को तैयार हो गए। 29 जुलाई 1987 को भारत की सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ एक समझौता किया जिसे नाम दिया गया भारत श्रीलंका शांति समझौता। इसके तहत भारतीय सेना श्रीलंका के सबसे हिंसा वाले शहर जाफना पहुंची और वहां शांति स्थापित करने की कोशिश शुरू की। खुद राजीव गांधी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे और वहां तब के राष्ट्रपति रहे जेआर जयवर्धने की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें जाफना को स्वायत्तता देने की बात कही गई। श्रीलंकाई सेना को बैरक में वापस लौटने को कहा गया। इसके अलावा इस समझौते की शर्त में लिट्टे संगठन का खात्मा भी था और यह भी कहा गया कि थोड़े ही समय में लिट्टे के लड़ाके हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर देंगे। इन समझौतों की शर्तों की वजह से श्रीलंका के दो गुट इस शांति समझौते के खिलाफ थे। एक गुट तो श्रीलंकाई सेना का ही था और उसका मानना था कि भारत को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन भारत के इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा विरोधी लिट्टे था, जिसका मानना था कि भारत के दखल की वजह से उसका अलग तमिल देश का सपना साकार ही नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में शांति स्थापित करने गई भारतीय सेना की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF के करीब 20,000 जवानों को दोनों तरफ के हमलों का सामना करना पड़ा। 3 साल के ऑपरेशन के दौरान 1200 से भी ज़्यादा भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। ये विदेशी धरती पर भारत का पहला ऑपरेशन था जो फेल हो गया था और देश दुनिया में इस ऑपरेशन की विफलता की कहानियां गूंजने लगी थी। इस बीच भारत में भी राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए थे और उनकी जगह VP सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। तो VP सिंह ने तुरंत ही इस ऑपरेशन को खत्म करने और भारतीय सैनिकों को वापस भारत बुलाने का ऐलान कर दिया। लेकिन श्रीलंकाई सेना और लिट्टे दोनों को लड़ने की आदत पड़ी हुई। जब भारतीय सेना लौट आई तो एक बार फिर से वो आपस में लड़ने लगे। इस बीच 1991 में राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री न बन पाए, इसके लिए लिट्टे ने प्लानिंग करके राजीव गांधी की हत्या करवा दी। 2009 में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे मुखिया वी प्रभाकरण को मारकर लिट्टे को भी खत्म कर दिया। लेकिन विदेशी धरती पर असफल हुए भारत के ऑपरेशन ने एक ऐसी सीख दी कि अब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वहां लिट्टे जैसा आतंकी संगठन भी नहीं है। इसके बावजूद भारत श्रीलंका में अपनी सेना को नहीं भेज रहा। वो पुरानी कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो भारत श्रीलंका में अपने हाथ जला चुका है। 1200 से ज्यादा जवानों की शहादत देख चुका है, एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या देख चुका है। ऐसे में सैन्य ताकतों को श्रीलंका से दूर रखना इसी खूनी इतिहास से सबक का नतीजा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए अनकट।